जी। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास यदि तेल है तो यकीनन आप अपने कर्जे से बाहर आओगे। यदि आपके पास पवित्र आत्मा, तेल ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है यकीनन बंधन टूटेंगे, यकीनन आपको चंगाई मिलेगी, यकीनन आपकी खुशियां आपके पास लौट आएगी। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस? कोई है जो कहेगा आमीन? मुस्कुरा के कोई जो कहेगा जय मसीह के। कल से हर चर्च के पहले हम आधा पौन घंटा प्रार्थना को बढ़ा देंगे। कोई है जो कहेगा नहीं? हालेलुया। यहाँ 12:25 को प्रार्थना, मैं खुद यहाँ पर रहूंगा, बाकी सारी प्रार्थनाएं हम बढ़ाएंगे। वी नीड टू प्रे मोर। कोई है जो कहेगा नहीं? कोई है जो कहेगा हालेलुया। 3 सितंबर को हमें 365 दिन हो गए ऑनलाइन प्रार्थना, 1 साल हो गए, इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मिनिस्ट्री इतनी क्यों फैली, इतने क्यों ब्रांचेस, बाइबल कॉलेजेस, और जो भी हमने उपलब्धि प्राप्त की, अचीवमेंट्स प्राप्त की है, मालूम क्यों? क्योंकि हमने 6000 से भी ज्यादा दिन हमने प्रार्थना की है। कैन यू इमेजिन, 2018 18 फरवरी को हमने शुरुआत की प्रार्थना करना। दोपहर को खुदा की वाणी आई थी कि दोपहर में प्रार्थना शुरू करना 1:30 बजे। 3 सितंबर की वीडियोस देख लेना, दोपहर ही का वक्त खुदा ने क्यों चुना। कोई है जो कहेगा आमीन? हालांकि लोग काम को जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, लेकिन खुदा ने कहा दोपहर का वक्त। किसके पास देखिए, मुड़ कर कहिए कि दोपहर का वक्त, दोपहर का वक्त। किसके पास एनर्जी के साथ डिले डाले नहीं, किसके पास देख कर हिला कर कहिए किसी को कि दोपहर का वक्त। शेख समर किसको हिलाइए, किसको हिलाइए? नहीं 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 नहीं, हिला नहीं रहे, हिला के बोलो हिलाओ 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 हिलाओ। हाँ, हिलाकर बोलो दोपहर का वक्त, दोपहर का वक्त। मैं आपसे कहूं दोपहर का वक्त ये दर्शन का वक्त है। आमीन। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। दर्शन का, पौलुस ने दर्शन देखा, प्रीचिंग सुन ले रहे डॉक्टर अर्चन ने जो की थी। दोपहर का वक्त दर्शन का वक्त है, दोपहर का वक्त खुदा का सामर्थ्य पाने का। द पावर ऑफ गॉड विल टच यू, विल हील यू। ये चंगाई का वक्त है। और पिछले मेरे ख्याल से 14 साल हो गए, 14 से 15 साल, हाँ 15 साल हो गए हम लोग नॉन स्टॉप दोपहर को 1:30 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके बदौलत मिनिस्ट्री 4 चांद लगा रही है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? चलिए दोनों हाथों को उठाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, रहिए हालेलुया। कुछ देर असली इबादत करेंगे, कितने लोग तैयार हैं? ये चर्च वो जगह नहीं जहां पर आप यहां पे परफॉर्म कर रहे हो उसको देखने के लिए आए हो, नहीं, चर्च वो जगह है जहां आप परफॉर्म कर रहे हो और खुदा आपको देख रहा है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? 3 सितंबर को शुरुआत की प्रार्थना में कुर्सियां निकालनी पड़ी, और फिर मैंने बताया कि क्यों टैबरनेकल में मिलाप वाले तंबू में कुर्सियां क्यों नहीं हुआ करती थी, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य इतना तेज होता था कि लोग नीचे गिर जाते थे। सुलेमान ने मंदिर बनाया, 120 लेवी याजक जमीन पे गिर गए। कितने लोग यहां पर हैं? यस, दिस इज द पावरफुल डे। आज का दिन ये पावरफुल डे, किसको बोलिए दिस इज द पावरफुल डे? कम ऑन कम ऑन, सैटरडे ये साधारण दिन नहीं है। मंडे टेंशन, ट्यूसडे टेंशन, वेनसडे नो पेंशन, थर्सडे फ्राइडे, लेकिन सैटरडे इज अ पावरफुल डे। ये हमारे लिए सामर्थ्य से भरा हुआ दिन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? असली वर्शिप करेंगे, असली असली प्रभु आपको देख रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मकसद 10 दिन के लिए मकसद रहेगा मेरे पास, सुनो मेरे भाइयों, किसी भाइयों को देखते हैं भैया, सुनो मेरी बहनों, नहीं खाली हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर हाथ ऊपर, और देखो सुनो मेरे भाइयों,
भाइयों को देखिए, इस भाई को देखिए, सुनो मेरी बहनों, फिर से नहीं, सुनो भाई, सभी लोग मुझे देख रहे हो, एक ही भाई ने काम करना चाहिए, बाकी आपका क्या भैया, किसी के पास देखते हैं, भाइयों के पास देखिए, दूर से ध्यान कर दीजिए, चलो सुनो फिर से बोलो सुनो, अब किसी बहन को देख लीजिए, सुनो मेरी बहनों, अब रेवरेंट क्लेरा ने जो गाया कुछ समझा नहीं, जिसको मालूम उसको समझा, लेकिन जो नए लोग हैं या जिनको गाने नहीं मालूम तो समझा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप समझे, क्या सुनो क्या सुनो, बोलो जंजीरों को तोड़े हिंदुस्तान में, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह, जय मसीह, इन दिनों में जंजीरें महाराष्ट्र में जोर में है, जंजीरों को तोड़े हिंदुस्तान में, जंजीरों को तोड़े हिंदुस्तान में, तूफान का रुख आपके पास आ रहा होगा, मुसीबत बीमारियों का रुख आपके पास आ रहा होगा, आइए यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी का उस तकलीफ का रुख मोड़े, और ये रुख तूफान का मोड़े, हिंदुस्तान में प्रेम से रिश्ता खुदा चाहता है, प्रेम सरिश्ता दो चार को हाथ की मिला, फिर से प्रेम सरिश्ता जब लाइन आई है, प्रेम से रिश्ता फिर से बोलो भाइयों को देखकर, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, बहनों को देखकर, सुनो ओके चर्च, आर यू रेडी, पीछे वाले आर यू रेडी, हियर वी गो, 1 2 3 गो, वैसे हेवनली आइडल चल रहा है,
आमीन। और प्रभु आपका डांस, आपका मन, आपकी स्तुति बोलेगा, देखकर बोलेगा आप हेवन में आ सकते हो। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। क्या करते का? Yes. वो क्या बोलते हैं, मुंबई आ सकते हो आप? मुंबई नहीं, प्रभु बोलेगा नहीं आप हेवन में, आप स्वर्ग में आ सकते हो। 1 2 3 गो। नाचते हुए नाचते हुए नाचते हुए यीशु साठी पाहिजे सेम। चला बाहेर निघा बाहेर निघा बाहेर जाओ। 1 2 3 मैंने बोला बाहर निकलो, जिसको बाहर निकलना है नाचना है बाहर निकलो। गाउठी डांस पाहिजे, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर बीच में जहां भी जगह मिल रही है। वन भीड़ भाई अड़वनो भीड़ बंद कर, हाँ पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ हाँ बाबे तू नो मेरे भाइयो, तू नो मेरे भाइयो, तू नो मेरे भाइयो, तू नो संतरा को बोले और संतरा को बोले हालेलुया, संतरा को बोले हिंदुस्तान को बोले मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों।
मेरा यसु यसु 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 मेरा यसु 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 और एक ये आज लग रहा है कि आप दीवाने हो कोई है जो कहेगा हालेलुया आज लग रहा है कि दीवानों की मंडली में यीशु की इबादत चल रही कोई है जो कहेगा आमीन चर्च ये शांत बैठने वाली जगह नहीं है चर्च में यदि कोई शांत बैठेगा तो वो आपकी बीमारी वो आपकी तकलीफ वो आपकी शैतानी ताकतें हैं जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है यहाँ पर आप आवाज करोगे और शैतान चुप बैठेगा मत भूलिए कि शैतान आपके वश में कोई है जो कहेगा हालेलुया कितने लोग तैयार है दीवानों के जैसे नाचने के लिए आर वी रेडी यस टीम मैडम दीवानी
यसो दर्दी है दीवानी, यसो से दर्दी है दीवानी, यसो दर्दी है दीवानी, यसो से दर्दी यीशु मसीह है खुदा मेरा, यीशु मसीह है खुदा मेरा, है दीवानी यीशु से दर्दी, है दीवानी यीशु से दर्दी, मैं दीवानी मैं दीवानी, बोलो किसी को मैं दीवानी मैं दीवानी। कॉम्पिटिशन लगनी चाहिए दीवानों की प्रभु के मंदिर में कि मैं ज्यादा यीशु से प्यार करता हूँ, मैं ज्यादा यीशु से प्यार करते हूँ। किसके बाद देखे बोलो मैं दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी मैं दीवानी। Hey,
दीवानी मैं 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 दीवानी यसू से दर्दी 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 मैं दीवानी यसू के दर्दी मैं दीवानी यसू के दर्दी यसू के दर्दी मैं दीवानी यसू के दर्दी हालेलुया जोरदार ताली बजा के गाओ। आइए खुदा की मौजूदगी में अपनी जगह बैठ जाइए। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय है। मैं मजबूर हूं विवश हूं पवित्र आत्मा में इस प्रचार को करने के लिए। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय हालेलुया। उसके एक या दो पहलू को हम देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रार्थना की सीरीज चल रही है और मैंने दो प्रार्थना पर प्रचार किए। YouTube पर आप उसको देख सकते हो और ये वाला प्रचार भी YouTube पर आ रहा है। हालांकि मैं हर प्रचार को YouTube पर नहीं डालता। 3 सितंबर शानदार रहा। पूरा दिन कह लीजिए प्रभु की मौजूदगी में प्रार्थना करते करते वक्त बीता। दूसरा राजा चौथा अध्याय हम दुआ करें। डॉक्टर अर्चना दुआ कर दें इस वचन के लिए। ग्लोरी टू गॉड। हमारे साथ इस पर सैटेलाइट सर्विस में सांगवी पुणे हमारी मेन बिल्डिंग के चर्च में से लोग हमें सुन देख रहे हैं टीवी पर से और इस सर्विस का वो भी हिस्सा है। और आइए खुदा के कलाम का एक पहलू आपके साथ में बांटूं। 6 अध्याय छठवां अध्याय जो था उस पर मैं प्रचार करने वाला था। हो सकता है कि कल मैं उस पर प्रचार करूं उस पर बात करूं लेकिन 4 पे आज प्रभु चाह रहा है कि मैं बोलूं। क्योंकि हमने अगला हफ्ता इवेंजेलिकल और हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स ये तकरीबन 4 जिले यदि मैं टाउन को भी पुणे को भी गिन लूं तो 4 जिलों में जा रहे हैं और वे कुछ गांवों में जाकर उनकी जो कलिसिया मंडली है उसको मजबूत करेंगे। नए लोगों में जाके प्रचार करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि यह बेहतरीन ओपनिंग होगी हमारे लिए और प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। और आइए हम लोग उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम इवेंजेलिकल हम सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 दिन सुसमाचार सुनाते हैं पुणे में। पुणे की बात मैं यदि करूँ तो जो पुणे के हमारे ब्रांचेस के नहीं हैं बाहर के ब्रांचेस के मेरे पास्टर्स हैं लीडर्स हैं आप भी अपना एक टाइम बांध लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे आपको फील्ड में जाकर काम करना ही है। वी डोंट गिव फेलोशिप। हम लोगों को संगति नहीं देते वो चर्च में मिल जाती है। वी गो इन डिफरेंट प्लेस। हम अलग जगह पर जाते हैं ताकि यीशु के नाम का प्रचार हम कर सके। कोई है जो कहेगा आमीन कोई है जो कहेगा हालेलुया। लिखा है कि जब प्रभु का आत्मा उतर कर आया तो घरों घरों में प्रभु की रोटी तोड़ी जा रही थी। तो इस हफ्ते को स्पेशल हम लोग गांव में घरों घरों में नहीं मोहल्लों में नहीं हमने अपना दायरा बढ़ा दिया है। हम लोग पुणे से बाहर जा रहे हैं और हम लोग ने दायरा अपने लिमिटेशंस बढ़ा दी है और 4 जिलों में कई गांव में जाकर हम प्रचार करने वाले हैं। वी हैव इंक्रीज्ड अवर यू नो लिमिटेशन। Somebody will say amen। मुझे आवाज कुछ मुझे शांत प्रभु का घर शांत नहीं होना चाहिए। आमीन।
और आवाज यानी जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं यस आमीन हालेलुया, ये वाला भी आवाज होना चाहिए आमीन, ये भी होना चाहिए, कोई है जो कहेगा आमीन। ये जिंदा कलीसिया मेरे भाई मेरी बहन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के लिए तैयार भी कर रहा हूँ। आइए डॉक्टर अर्चना दुआ कर दे। हालेलुया प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जो वचन आपके सेवक के द्वारा आने वाला है वो वचन हमारे दिलों को तोड़ने वाला, हमें बनाने वाला वचन हो परमेश्वर। और इस हफ्ते में जो कुछ योजना आपके स्वर्ग से आई है उस योजना के अनुसार दर्शन पर हम चले और परमेश्वर हर एक को सहायता करे परमेश्वर, हमारा ओ बाउंड्रीज हम बढ़ाए, ओ वी विल गो बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो इस हफ्ते में आपका सुसमाचार ये सुनाने वाला है कार्य करे परमेश्वर, हर एक के जीवन को आपके पवित्र हाथों में लेते और परमेश्वर यही प्रार्थना और दुआ करते हैं, हर एक का जीवन ओ इस्तेमाल करना परमेश्वर, आपका राज्य ये बढ़ता जाए और शैतानी हर एक बंधन हम टूटते हुए देखे, यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। जो वचन आने वाला है वचन के अनुसार हमें उत्तेजन देना, हमें और भी बढ़ाना, आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ते रहे, इसलिए सहायता करना। हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपके ईमान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुना ग्रहण कीजिए आमीन। आइए इस वक्त हम खुदा के कलाम के पास ध्यान दें। सैटेलाइट चर्च सर्विस के द्वारा हमारे पिंपरी चिंचवड़ के लोग चर्च में इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं हमको, और आप हमसे जुदा नहीं हो, अलग नहीं हो, वी आर वन इन स्पिरिट। भले हम अलग जगह पर बैठे होंगे लेकिन फिर भी खुदा की रूह बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है, और प्रभु चाह रहा कि यूट्यूब पर देखने वाले और सभी लोग जो हमको इस वक्त लाइव देख रहे हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए खुदा के कलाम पर कुछ पहलू, खुदा का पहलू, खुदा का नजरिया, ये बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए, और खास करके सेविकाई करने वाले जो सेवक हैं उनके लिए क्या नजरिया है खुदा का, ये मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं चाह रहा हूं जागरूक रहे, केवल मेरे पास 40 मिनट है, मेरे पास बस 40 मिनट्स, क्योंकि 10 बजे माइक्स बंद करने हैं, 40 मिनट है। मैं चाह रहा हूं कि हम आदत डालें कि ये 9 से 12 वाली सर्विस नहीं है, तो ये 7 से 10 बजे मुझे खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। शायद कोई बीमार व्यक्ति इसीलिए बीमार रह गया क्योंकि प्रार्थना नहीं हुई, शायद किसी के बंधन टूटने थे इसलिए टूटने से रह गए क्योंकि दुआ नहीं हुई, क्योंकि दुआ के लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। शनिवार के लिए हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरा दिन, और किसी के साथ बातचीत टालते हैं। मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता, शुक्रवार से इसकी तैयारी शुरू होती है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू यू नो इस बात को सीरियसली लेके हम थोड़ा सा 7 बजे आ जाएं तो मैं 10 बजे तक काफी प्रार्थना सब कुछ हम लोग निपटा सकते हैं। सुनिए, एक खुदा का पहलू, खुदा का नजरिया। इस वाक्य पर मैंने बहुत सारे प्रचार किए हैं, आज मैं फिर से प्रभु से मैंने कहा, प्रभु कितनी बार मैंने बोला इस पे, अलग अलग संदेश, अलग अलग नजरिया मैंने बोला, लेकिन प्रभु ने कहा एक पहलू है मेरा, वो तो आज लोगों के सामने रख, और खास करके उन सेवकों के सामने, उन इवेंजलिस्ट, उन सुसमाचार के प्रचारकों के सामने रख जो प्रभु का कार्य करने जा रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। सुनिए, ये एक घटना है, कहानी है इतिहास के झरोखों में से, दूसरा राजा 4:1-7 पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा मकसद केवल एक पद पर है और वहीं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और सुनिए, दूसरा राजा 4 पढ़िए, सुनिए ध्यान। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल, कुछ छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब
बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाने गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। तीन वचन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसका एक ही वाक्य मैं चाहूंगा कि आप गौर फरमाइए। तीसरा पता, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लो ले आओ और थोड़े बर्तन न लाना। बस यही मेरा आज का विषय है कि थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना। बगल वाले को छूकर बोलिए, बगल वाले को देखकर बोलिए कि थोड़े बर्तन मत लाना। किसी के पास देखकर बोलिए, आंखों में आग डालकर उसका ध्यान नहीं होगा, उसको बोलिए भाई मेरे पास देख, ए बहन मेरे पास देख, थोड़े बर्तन मत लाना। तो जो जो मुझे टीवी पर देख रहे हैं वहां पर सैटेलाइट चर्च सर्विस के द्वारा मेन बिल्डिंग में, वो भी एक दूसरे को बोले थोड़े बर्तन मत लाना। कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए अपने हाथों को उठाइए, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितने लोगों ने इस घटना को ध्यान से सुना कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन नए विश्वासियों को मध्य नजर रखते हुए थोड़ी सी भूमिका मैं फिर से बांधना चाहूंगा। और लिखा है कि अलीशा भविष्यवक्ता जो है उसका एक चेला मर गया है। अलीशा जो एक भविष्यवक्ता है उसका चेला यानी डिसाइपल, वो भी भविष्यवक्ता बनने वाला स्टूडेंट था और वो मर गया है। तो कुछ बातें ध्यान रख लीजिए। तो यू आर प्रॉफिट, दो यू आर प्रॉफिट, आप भले ही भविष्यवक्ता हो आप मर सकते हो, आप भले ही मैन ऑफ गॉड हो, आप भले ही खुदा के सेवक हो, मृत्यु ये अटल है। कई बार हम आश्चर्यकर्म की इस दुनिया में हर पल आश्चर्यकर्म चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मृत्यु अटल है। हर शख्स जो इस दुनिया में जी रहा है उसकी भी मृत्यु तय है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। भविष्यवक्ता का एक चेला है, वो भी भविष्यवक्ता है और वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पॉइंट नंबर टू, भले ही आप प्रभु की सेविकाई कर रहे हो, यू मे सफर विद फाइनेंशियल क्राइसिस, आप आर्थिक समस्याओं से गुजर सकते हो। प्रभु का सेवक है इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, बिल्कुल आर्थिक समस्या आएगी। कोई है जो अपने हाथों को उठाए कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। अब यहां पर एक बिलीवर या विश्वासी कहने से अच्छा एक भविष्यवक्ता का चेला, यानी वो भी भविष्यवक्ता बन रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के बाद जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन उसके पास इतना कर्जा उसने ले रखा था कि अब जिससे कर्जा लिया है वो कर्जा लेने वाला इसके पीछे जो दो बच्चे हैं उनको गुलाम बनाकर ले जाने के लिए उसकी पत्नी के पास आया। पत्नी बड़ी दुविधा में है और पत्नी को कुछ सूझा नहीं और वो सीधा प्रभु के सेवक अलीशा के पास आई और अलीशा के पास आकर कहने लगी, मेरा पति जो तेरा चेला था, तेरा शिष्य था, वो मर गया है और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, अब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी यदि बची है तो वो केवल मेरे ये दो बच्चे हैं, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरी परवरिश करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन अब मैं इस दुविधा में हूं क्योंकि जिससे कर्जा लिया है वो इन दो बच्चों को भी लेकर जाने के लिए आया हुआ है। कितने लोगों को यहां तक की कहानी समझ गई, अपने हाथों को उठाएं और कहें हालेलुया। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? कोई है जो कहेगा जय मसीह के, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, चाह रहा हूं कि पहले वचन को समझे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड, खुदा का सामर्थ्य आप समझ पाओगे। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, यहां से शुरू होती है। अब प्रभु के सेवक ने उस औरत से ये नहीं कहा कि बहन ये ले चेक देता हूं मैं तुझे,
बहन मेरा डेबिट कार्ड लेकर जा, मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जा, तेरी जो जरूरत है वो पूरी करूंगा। प्रभु के सेवक ने ये नहीं कहा। प्रभु के सेवक ने जिसका कर्जा था, जिस परिवार में कर्जा है, उनसे ये पूछा कि तेरे पास क्या है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपके पास प्रभु के सेवक किसी न किसी कार्य के लिए, शायद कोई डोनेशन या कोई मदद मांगने के लिए आते होंगे। आपने बहाने बड़े बनाए होंगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो इस बात को सुन लीजिए, जो बहाने बना रहे हैं उनके जीवन में शायद कुछ हो नहीं सकेगा, लेकिन उन बहानों में जो ये सोचता है कि नहीं मेरे पास ये नहीं लेकिन मेरे पास ये है, उसकी जिंदगी में यकीनन खुदा काम करता है। और प्रभु के सेवक ने ये नहीं कहा कि तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास कितना कर्जा है, तेरा 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 बैंक अकाउंट मुझे दिखा, तेरा तेरा जो लोन था वो कितने परसेंटेज का था ये दिखा। ये प्रभु के सेवक ने नहीं कहा, उसने केवल पूछा कि तेरे पास क्या है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं इस पर बात नहीं कर रहा आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास यदि तेल है तो यकीनन आप अपने कर्जे से बाहर आओगे। यदि आपके पास पवित्र आत्मा, तेल ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है यकीनन बंधन टूटेंगे, यकीनन आपको चंगाई मिलेगी, यकीनन आपकी खुशियां आपके पास लौट आएगी। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस? कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अब मैं एक फॉर्मूला आपको समझाने के लिए यहां पर हूं। कितने लोग यहां पर हैं? मैंने कहा ज्यादा लंबा बोलूंगा नहीं, कुछ चीजें मैंने सिखाई, हमने दुआ की जो 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 अनयूजुअल थी, सैटरडे को हम नहीं करते लेकिन की वो। लेकिन मैं अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। प्रभु के सेवक ने कहा कि तेरे पास क्या है, और उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। इसको छोड़ बच्चों के तीन पद फिर से ध्यान से कान खोलकर सुनिए। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। हाँ। और थोड़े बर्तन न लाना। बस अब प्रभु के सेवक ने कहा कि तेरे पास तेल है, थोड़ा सा तेल है, बाहर जा और जितने भी पड़ोसी है, जितने भी बाहर के लोग हैं उनसे बर्तन मांग कर ला। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। उनसे तू बर्तन मांग कर ला। अगर पड़ोसी के पास जाकर चावल मांगती, दाल मांगती या शक्कर मांगती तो शायद वो लोग मना कर देते, लेकिन प्रभु के सेवक ने कहा वो कुछ मत मांगना, केवल खाली बर्तन मांग कर लाना। खाली बर्तन, ध्यान रखो, खुदा को भरा हुआ पात्र नहीं चाहिए, खुदा को रिक्त यानी खाली पात्र चाहिए। He is seeking for the empty vessel. वो खाली पात्र को देखना चाह रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब खुदा के सेवक ने कहा कि थोड़े बर्तन मत लाना, इस बात को ध्यान में रख लेना। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा के सेवक ने कहा कि जब बर्तन तू लेकर आ जाएगी तब किवाड़ बंद कर देना। मैं चाह रहा हूं कि पढ़े ताकि नए विश्वासी भी ध्यान से समझे, जिसको कहानी नहीं मालूम पहले कहानी समझ ले। और फिर उसने कहा हाँ। तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से हो गया, आगे जाइए, चौथा पढ़िए। फिर तू अपने बेटों समेत हाँ। अपने घर में जा हाँ। और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। सुनिए, द्वार बंद करके, समरविल से द्वार बंद करके, द्वार बंद कर, दरवाजा बंद कर देना, किवाड़ बंद कर देना, और फिर जो तेल तेरे पास है उन खाली बर्तनों में भर देना। और खाली बर्तनों में जो तब तू तेल डालना शुरू करेगी और जब वो भर जाएंगे, बर्तन भर जाएंगे तो उन्हें अलग रखना। उन्हें क्या करना? अलग रखना, अलग रखना। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं चाह रहा था कि आपके नजर में आ जाए, आपके ध्यान में आ जाए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस कहानी में इस औरत ने तेल लिया, और ये कहानी नहीं है, ये इतिहास में हुआ एक चमत्कार है, आश्चर्यकर्म है। और जैसे कि हम जानते हैं पहला राजा, दूसरा राजा, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो हिस्ट्री घटी उनकी ये किताबें हैं। और बाइबल यू कह रही है कि वो तेल रुक गया जब तक सारे बर्तन भर नहीं गए। तेल रुक गया जब सारे बर्तन भर गए। जब सारे बर्तन भर गए तो तेल रुक गया। I just want to tell you in the name of Jesus Christ कि
सूचना आपने ध्यान से सुनी कि नहीं, कहा था कि थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना। आज इकोनॉमिक्स का एक लॉ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब डिमांड रुक जाता है, जब डिमांड रुक जाता है सप्लाई भी रुक जाता है, जबकि सप्लाई ज्यादा है, जबकि सप्लाई ज्यादा है। थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। यदि अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग चर्च में जा रहे हैं, 15 मिनट में चर्च खत्म होती है, और जाने के बाद वहां पर हम चर्च में जाने के बाद एसी लगाएंगे, और एसी लगाने के बाद थोड़ी ही देर में सबको ठंडी लगने शुरू हो जाएगी, जबकि बाहर ठंडी है ही नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? मेरी बात को समझ रहे कितने लोग? बाहर का वातावरण ये ठंड नहीं है, ये गर्म है, थोड़ा सा बरसात आ रही है लेकिन ठंड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप चर्च में जाओगे और जैसे ही आप एसी ऑन करोगे, सबको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी और सबको ये लगेगा कि अरे अच्छा होता मैं स्वेटर लाता, अच्छा होता कि मैं कोट लेकर आता। लेकिन सब लोग ठंड के मारे सिकुड़ रहे होंगे। कोई कहेगा एसी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। एसी एसी ये आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है, आपका जो शरीर का टेम्परेचर है, आपकी जो डिमांड है, जितनी उसको चाहिए ठंडक, उससे ज्यादा ठंडक दे रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एयर कंडीशन जो है, आपके शरीर को जितना टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए 24, 25, 26 या 28 चाहिए, एयर कंडीशन उससे ज्यादा ठंडक दे रहा है। जबकि एयर कंडीशन का टेम्परेचर शुरू होता है 24 से, 24 से शुरू होता है, फिर वो 23, 22, 21, 16 तक वो जाता है। लेकिन आपके शरीर को जितना चाहिए एसी का टेम्परेचर, उससे ज्यादा है। कोई है जो कहेगा हाथ को उठा के हालेलुया? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको चाहिए कम और वो ज्यादा सप्लाई दे रहा है, ज्यादा ठंडक दे रहा है। लेकिन आपको डिमांड जो है ना, आपके बॉडी को गर्म रखने का, आपके बॉडी को उष्ण रखने का, ये कम है। आपको लगता है कि इतना ही बस हो गया, क्योंकि ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वो ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पंखा का उदाहरण मैं देता हूं। मैंने एसी का बोला क्योंकि हमारी बिल्डिंग में एसी लगे हुए हैं। अब पंखा 5 पे आपको ज्यादा हो रहा है, वो आपकी जरूरत केवल 2 में पूरी हो रही है, 3 में पूरी हो रही है, लेकिन वो 5 में है और वो आपको ज्यादा लग रहा है। लेकिन आपकी जरूरत केवल 2 की है कि नहीं भैया 2 पे रखेगा मुझे ठीक लग रहा है, नहीं नहीं वो एसी बंद कर दीजिएगा, बिना एसी के मैं ठीक हूं क्योंकि मुझे मेरी डिमांड नहीं है। लेकिन सप्लाई हालांकि ज्यादा है। आज इसी फॉर्मूला को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस परिवार में कर्जा है, इस परिवार में जरूरत है, इस परिवार में शायद कोई गुलाम बन जाएगा, इस परिवार में शायद निराशा आने वाली है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपकी भी जिंदगी में शायद ऐसे ही हालात हो रहे होंगे, लेकिन आज ये फॉर्मूला प्रभु के सभी सेवकों को, प्रचारकों को और जितने विश्वासी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप की जरूरत कम पड़ रही है, लेकिन मेरे प्रभु के पास आपको देने के लिए जो सप्लाई है, उसके पास जो इंतजाम है आपकी चंगाई का, आपकी आर्थिक जरूरतों का, वो आपके आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो जरूरत है, उससे ज्यादा है। My God is having extra. Somebody will give a good clap offering. कोई है जो जोरदार ताली बजाकर do something for God, खुदा के लिए कुछ करिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा यस। आप बैठे मत, बैठे मत, बैठे मत, बैठे मत। मैं चाह रहा हूं कि उत्सुक रहिए। आप 4 लोगों को मिलिए और कहिए आप अपनी डिमांड बढ़ाइए, अपनी मांग बढ़ाइए, अपनी मांग बढ़ाइए, उसके पास देने के लिए ज्यादा है, उसके पास देने के लिए ज्यादा है। ये कमर ओ या उसके पास देने के लिए ज्यादा है। He is having more. कोई है जो कहेगा हालेलुया, आइए, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो मुस्कुरा के कमर की वे गुड क्लैप ऑफ द गॉड। मेरे प्रभु के पास सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। Somebody will say hallelujah. इस लाइन को बोलिए, अंग्रेजी में बढ़िया है, हिंदी में मैं कोशिश कर रहा था, मुझे मजा नहीं आया। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई विल स्टॉप व्हेन डिमांड विल स्टॉप।
बट व्हेन डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज. आपके इच्छा जो है, मांग जो है, उससे ज्यादा प्रभु के पास आपके पास देने के लिए सप्लाई है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास और मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है. अगर नहीं होती तो बोल देता, ही इज हैविंग मोर. यस, लेकिन हमारी जरूरत कम है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. मेरे साथ कितने लोग यहां पर है उसके पास देने के लिए ज्यादा है. और सैटरडे की मीटिंग में काई के लिए पड़ा है कि प्रभु एक गॉड गिव मी टच, यू वॉन्ट टच, लॉर्ड गिव मी अ ड्रॉप ऑफ ब्लेसिंग, तेरे आशीष की एक बूंद दे. एक बूंद नहीं, वो सुनामी लाना चाह रहा है. भारी वर्षा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में. ही ओ कमर कमर, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप कम पढ़ रहे हो. आप सैटरडे को ये समझ के आए, प्रभु ये वाली प्रॉब्लम है इसको दूर कर देना, प्रभु ये वाला कर्जा है इसको दूर कर देना, ये वाली तकलीफ है उसको दूर कर देना. मेरे भाई मेरी बहन, ये वाला वो वाला कहकर उसको कम मत करिए. उसके पास सप्लाई ज्यादा है, उसके पास इंतजाम ज्यादा है. अपनी डिमांड को बढ़ाइए. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंटरव्यू के लिए गए, कितना सैलरी आप लोगे, तो आप बोलते हैं कि इतना बढ़ जाए, मेरा पहला तनख्वाह इतना था, आप इतना दे दे. कम ऑन, कम ऑन, आई वांट टू टेल यू, इंक्रीज योर डिमांड. अपने डिमांड को, अपनी मांग को बढ़ाइए, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. लाया था वो लड़का दो मछली और पांच रोटी, दो मछली और पांच रोटी लाया था. Supply was more. Demand was only 5,000 people. वो भी male. लिखा है पुरुष 5,000 थे, स्त्रियों का उल्लेख नहीं, बच्चों का उल्लेख नहीं, उससे ज्यादा थे. तो जो जो डिमांड थी वो 5,000 की भीड़ की भूख मिटाने की डिमांड थी. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो लड़का लाया था दो मछली और पांच रोटियां, लेकिन वो दो मछली पांच रोटियां खुदा के पास, यीशु के पास आई. यीशु ने आशीषित किया और कहा बांटना शुरू कर दो. और ध्यान रखिए, जब भी खुदा बांटने के लिए सैटरडे को आता है, जब भी खुदा बांटने के लिए हर हर दोपहर को 1:30 बजे आता है, तो वो थोड़ा लेकर नहीं आता. ही इज हैविंग मोर, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा इंतजाम है. और वो जब लेकर आता है वो भर भर कर. कोई है जो तालियां, कमर कमर कमर, कोई है जो कहेगा हालेलुया. और जब वो लेकर आया, उसने कहा बांटो. तुम लाए कितने थे, दो मछली पांच रोटी लाए थे ना, लो मैंने प्रार्थना कर दी है, लो मैंने अपना सप्लाई अब दे दिया है, अब तुम बांटना शुरू करो. और चेलों ने जैसे बांटना शुरू किया, वो 50-50 की पंगत में बैठ गए और वो बांटते रहे, लोग खाते रहे, दो मछली पांच मछली, पता नहीं जिसकी जैसी भूख थी, जिसकी जैसी जरूरत थी, उन्होंने खाया. और मेरे भाई मेरी बहन, दो मछली पांच रोटियां नहीं बची, लेकिन 12 टोकरियां बची. क्यों? क्योंकि सप्लाई इज मोर, इंतजाम ज्यादा है. कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा. कितने लोग तैयार है आज, कितने लोग तैयार है? आप प्रभु एक नौकरी दिलवा देना, एक कार दिलवा देना, एक लोन मेरा प्रभु पूरा हो जाए, उसके बाद तेरे लिए खड़े होंगे. नहीं, डिमांड आपकी बढ़ेगी तो सप्लाई ऑलरेडी उसका बढ़ा हुआ है. और ध्यान रखिए, उसने कहा कि थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना. गलती उस औरत की है, गलती उन दो बच्चों की है जिन्होंने लिमिटेड बर्तन लाए, और उन बर्तनों में जब तेल भरा गया तो वो सप्लाई खत्म हो गया. सप्लाई रुकता है, खत्म नहीं होता. सप्लाई रुक कब गया मालूम? जब बर्तन खत्म हो गए. आज मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, दिस इज द ईयर ऑफ अनदर लेवल. आज अपने अपने डिमांड को बढ़ाइए. प्रभु से कहिए, मेरे पास ये लिस्ट है, प्रभु मेरे पास ये चीजें मुझे चाहिए, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए कर सकूं, ताकि मैं तेरे मंदिर के लिए कर सकूं. मुझे इतनी मोटी तनख्वाह दे, मुझे ऊंचे ओहदे पर रखो, ताकि मैं तेरे लिए चर्च को मदद कर सको. कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया. अगर प्रभु के लोग जवानों, आप ऊंची पोस्ट पर रहोगे,
अगली बार कोई विरोध आया तो आप लोग खड़े रहोगे, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, पॉटर्स हाउस चर्च का एक मेंबर रहेगा और वो आपके लिए वहां पर खड़ा होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ऑडिटोरियम का मैनेजर कौन होगा, या एक्ट फाउंडेशन की एक बहन होगी और उस वजह से कोई भी हमें ऑडिटोरियम से रोक नहीं पाएगा। ओ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको बड़ा पोस्ट पर लेकर जाना चाह रहा है, मोटी तनख्वाह देना चाह रहा है, ताकि आप खुदा को दे सको। कोई है जो कहेगा मैं। आप अपने घर के लिए मांगोगे तो प्रभु नहीं देगा, लेकिन आप चर्च के लिए मांगोगे प्रभु आपको निश्चित देगा। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे ज्यादा दे ताकि मैं चर्च के लिए ज्यादा दे सकूं। कोई है जो कहेगा मैं ना। कोई है जो कहेगा हालेलुया। दिस इज द टाइम, ये वक्त है कि हम अपने डिमांड को बढ़ाएं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इसके लिए मैं सारे प्रचारकों को, सेवकों को, पास्टर्स को कहना चाह रहा हूं, ज्यादा बड़ा दर्शन देखना शुरू करिए, बड़ा सोचना शुरू करिए। प्रभु आपके मिनिस्ट्री को फैलाना चाह रहा है, प्रभु आपके चर्च को बनाना चाह रहा है, आपके बिल्डिंग को फैलाना चाह रहा है, आपको ज्यादा जगह देना चाह रहा है। आप डिमांड शुरू करिए। कोई है जो कहेगा आमेन। यस, अपने डिमांड को बढ़ाइए। कितने लोग तैयार है डिमांड को बढ़ाने के लिए? कितने लोग डिमांड को बढ़ाने के लिए तैयार है? मेरे भाई मेरी बहन, काना गांव का दाखरस ये जग में या जो भी छोटे मर्दमान होंगे उसमें दिया जा रहा था। यीशु ने कहा नहीं, माय सप्लाई इज मोर, मैं मेरा इंतजाम ज्यादा है। उसने कहा शुद्धिकरण के जो बड़े बड़े घड़े हैं जिनमें 2 से 3 मन पानी आता है उनमें पानी भरो, मैं दाखरस दूंगा उसमें भर कर दूंगा, जरूरत से ज्यादा दूंगा। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के पास उसके मजदूरों को भी आवश्यकता से ज्यादा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। डिमांड को बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा मैं ना। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आई वॉज कैलकुलेटिंग, हमारे पास 4 मंजिला बिल्डिंग है, 2000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर 8000 स्क्वायर फीट हो गया, एक 2000 स्क्वायर फीट हमारा रेंटल बंगलो पकड़ लीजिए तो टोटल 10000 स्क्वायर फीट हो गया। मैंने प्रभु से आज आते वक्त मैंने मांगा, प्रभु कम से कम 1.5 से 10 लाख स्क्वायर फीट हमारे पास बिल्टअप एरिया होना चाहिए। बिल्टअप, जमीन नहीं बिल्टअप। हमारे पास ये जो 8000 स्क्वायर फीट मैंने बोल दिया, 10000 स्क्वायर फीट ये पूरा बिल्टेड है, बना हुआ है, खाली जगह है ही नहीं हमारे पास। लेकिन प्रभु से मैंने मांगा कि प्रभु मैं अपनी डिमांड को बढ़ाता हूं, मेरे पास इतनी जगह हो, 1.5 से 10 लाख स्क्वायर फीट जगह बंदी हुई हो, जहां कम से कम 1500 अनाथ बूढ़े बीमार जिनको दुनिया ने डाल दिया है, ऐसे लोगों को हम शरण कर दे सके, शरण फाउंडेशन में काम कर सके। हमारे पास हमारी डिस्पेंसरी हो, हमारे पास हमारा हॉस्पिटल हो, हमारे पास हमारा म्यूजिक के लिए और वहां पर एक बढ़िया सा ऑडिटोरियम हो, हमारे रिकॉर्डिंग स्टेशन हमारे पास हो, स्टूडियो हो। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे पास कम से कम 1000-2000 लोग रह सकेंगे और हम कई सेमिनार साल में 5 से 6 सेमिनार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कर सकेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। उस लेवल का हमारा सेंटर होना चाहिए ताकि बाहर के आईटी कंपनी वाले भी कहें कि हमें आपका सेंटर किराए पर लेना है। उस लेवल पे हमारा स्टैंडर्ड हम हाई करेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हमारा कितने लोग यहाँ पर हैं? बगल वाले को बोलिए अपना स्टैंडर्ड हाई करिए, अपनी सोच को ऊपर करिए। कम ऑन, अपनी सोच को। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आवाज मजा नहीं आ रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। डिमांड, आपकी डिमांड कम थी, आपकी डिमांड कम थी। कोई है जो कहेगा आमेन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपकी डिमांड यदि आप बढ़ाओगे प्रभु आपको देगा। मेरे भाई मेरी बहन, कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि अपना डिमांड बढ़ाइए। सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत है उसके पास। वो आकाश के झरोखे खोल कर दे रहा है, लेकिन आपने मांगा कम था, आपकी डिमांड कम थी। आप ज्यादा मांगिए, आप ज्यादा मांगिए। मेरे भाई मेरी बहन, इस हफ्ते में या आज से
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपने पड़ोसियों के पास जाइए, अपने गांव में जाइए, पड़ोस के गांव में जाइए। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं, मैं समाप्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं ध्यान से जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। यह टाइम है कि घर में चुप ना बैठे, जितने लोग भी पुणे में, पुणे के बाहर और जो भी मुझे सुन रहे हैं, चुप मत बैठिए। बगल लिखा है कि पड़ोसियों के पास गए, लिखा है पड़ोसियों से बर्तन मांगे, आप जाइए। और बहुत सारे दुनिया में खाली बर्तन हैं, मिट्टी के बने हुए पुतले हैं, कई इंसान हैं, कई लोग हैं जो अंदर से खाली है, उनके अंदर कुछ नहीं है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे खाली बर्तनों को आप अपने चर्च में लेकर आए, ऐसे खाली बर्तनों को आप अपनी कलिसिया में लेकर आए, यूथ फायर कैंप में लेकर आए, जवानों के कैंप में लेकर आए। बहुत सारे खाली जवान बैठे हुए हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सारे बहने बैठे हुए हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल कहती है कि उनके पास क्या था, अलीशा ने पूछा तेरे पास क्या है, उस औरत ने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है। और अर्पित मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाह रहा हूं, मेबी यू बी हैविंग अ लिटिल अनॉइंटिंग, आपके साथ थोड़ा सा अभिषेक होगा। मेरे जवानों, आपके पास थोड़ा सा अभिषेक होगा, ये थोड़ा सा कम नहीं है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा खुदा का सप्लाई से भरा हुआ है। आपका थोड़ा सा अभिषेक में जब खुदा का सप्लाई आ जाता है, आपके थोड़े से अभिषेक में जब खुदा का हाथ लग जाता है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं रहता है। और मेरे भाई मेरे बहन, जब ये बर्तन लेकर आए, लिखा है कि दरवाजा बंद कर दिया। मुझे यकीन है 4 नवंबर को फायर कैंप का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, बाद में गेट पर लॉक लग जाएगा, किवाड़ बंद कर दिया जाएगा। और अंदर वायगांव से खाली बर्तन आए होंगे, औरंगाबाद से खाली बर्तन आए होंगे, अकोले से खाली बर्तन आए होंगे, वो संगम नहर से, अहमदनगर से, नागपुर से, मेरठ से, उत्तर प्रदेश से खाली बर्तन आए होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, खाली बर्तन को लेकर आइए, खाली बर्तन को लेकर आइए, और किवाड़ बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। और फिर क्या करना, क्या फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर उस स्त्री ने जो थोड़ा सा तेल था उस एक बर्तन में भरना शुरू कर दिया। शायद वो वायगांव का बर्तन होगा, शायद वो औरंगाबाद का या नागपुर या मेरठ का बर्तन होगा। जैसे ही उसमें वो तेल डाला, वो बर्तन भर गया। और जैसे बर्तन भर गया, अरे तेल तो इतना सा था, लेकिन ये बर्तन कैसे भर गया? ये बर्तन इसलिए भरा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। और ये तेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसके पास थोड़ा सा तेल है। उसने दूसरे बर्तन में डालना शुरू किया, ये शायद नागपुर से आया हुआ बर्तन होगा। और ये बर्तन भी पूरा भर गया है, लेकिन ये तेल समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। कि तीसरा और चौथा और पांचवा जितने बर्तन थे वो सारे भर गए। अब वक्त आ गया है हम खाली बर्तनों में पवित्र आत्मा का तेल उंडेले। Supply is more. He wants to give you more. What would Jada? Then a Jada. Come on, go and meet 5 people. Say your demand, baraiye. Demand, baraiye. Increase, increase your demand. Increase your demand. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Glory, glory, glory. बोलिए, अपनी मांगों को बढ़ाइए, अपने डिमांड को बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो आवाज नहीं आ रही? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आपके डिमांड को बढ़ाइए। कितने लोग तैयार है डिमांड को बढ़ाने के लिए? आप थोड़ा मांगोगे वो थोड़ा ही देगा, जबकि उसके पास ज्यादा है। कितने लोग हैं यहां पे? कोई है जो कहेगा हालेलुया? थोड़े बर्तन मत लाना यूथ फायर कैंप के लिए, थोड़े बर्तन मत लाना। ममता सरिता, थोड़े बर्तन मत। अरे उसको तो बोला ही नहीं, अरे उस भाई को तो बोला ही नहीं, उस बहन को तो बोलना रह गया। थोड़े बर्तन मत लाना चर्च में। मेरा बोझ, मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे जवान कुछ लिख रहे कि नहीं ऐसा, अगर होगा तो उसको भी चर्च में लगाइए। मेरा बोझ और थोड़े बर्तन मत लाना, क्योंकि खुदा के पास देने के लिए बहुत है। ही इज हैविंग मोर देन योर रिक्वायरमेंट। आप बोलो आपके रिक्वायरमेंट क्या है। लोग हमें 24 साल 25 साल से सूट वाले पास्टर बोलते हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? जब दुनिया सूट नहीं पहनती थी तब से हम सूट पहन रहे हैं, हमको सूट वाले पास्टर बोलते हैं। और हम सूट वाले पास्टर थे भी क्योंकि हमारी डिमांड सूट की थी, प्रभु ने हमको सूट दिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कई बार जब मैं शोरूम में जाता हूं,
कई शोरूम में जब हम लोग सूट लेने के लिए जाते हैं, अब मेरे पहचान के रहते हैं, कभी कभी नए लोग आ जाते हैं, जब शोरूम में जाता हूँ वहाँ पे सूट देखता हूँ, वो मुझे दिखाने लगते कि ये कलर ये वाला ये वाला, मैं उनसे कहता हूँ आपके दुकान में आपके शोरूम में जितने सूट हैं उससे ज़्यादा मेरे घर में लगे हुए हैं क्या, आपके पास डिमांड है तो सप्लाई ज़्यादा, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया, मज़ा नहीं आ रहा, कोई है जो कहेगा हालेलुया, आपके पास डिमांड डिमांड है क्या, एक दो के लिए आप गांव जा रहे हो प्लीज मत जाइए, एक दो के लिए आप बाहर जा रहे हो, नहीं मैं दो ही परिवार कर रहा हूं, प्लीज मिनिस्ट्री रोक दो, प्रभु को ऐसे सेवक नहीं चाहिए जो कहता है मुझे खाली दो परिवार, मैं खाली तीन परिवार में जाता हूं उसके बाद मैं नहीं कर पाता, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन पूरा भारत करोड़ों की आबादी और आपके पास पूरा लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड मैदान है, यू हैव अनलिमिटेड फील्ड, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, आप कह रहे हो दो या तीन ही परिवार है, प्लीज स्टॉप द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को स्टॉप कर दीजिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु चाह रहा है कि आप डिमांड बढ़ाएं, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे 100-100 परिवार, एक एक जवान ने यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाले एक दो साल में मुझे इतनी बुद्धिमता देना, मुझे इतनी अनॉइंटिंग देना, मुझे इतना अभिषेक देना कि मैं 100-100 परिवार को अकेला, मेरी टीम अलग टीम होगी, सुनिए मेरी अलग टीम होगी, ये तो चर्च ने टीम बनाई हुई है कि ये पास्टर उसके अंडर में, ये उसके अंडर में, ये नहीं, मेरे प्रचारकों आप दुआ करिए कि आपके पास अपने खुद के लीडर्स होंगे, आपके पास आपके खुद के चेले होंगे, आपके साथ आपके खुद की मैनेजमेंट टीम होगी, आप जब चलोगे आपके साथ 10 लोग चलेंगे, आप जब जाओगे आपके लिए 6-सीटर गाड़ी होगी, कोई है जो कहेगा हालेलुया, 7-सीटर 8-सीटर गाड़ी में आप जाओगे, मेरे भाई मेरे बहन कोई है जो कहेगा हालेलुया, आप कहोगे मेरे पास दो ही परिवार है, तीन ही परिवार नहीं मिल रहा, सेवा छोड़ून दिया, जाके कहीं नौकरी करिए और फाइनेंशियल सपोर्ट करिए मिनिस्ट्री को, यदि आपके पास डिमांड ज्यादा है कि प्रभु मैं रुकने वाला नहीं, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे ऐसा दिन आएगा कि 4 दिन में मैं अकेला 100 फैमिलीज मैनेज कर रहा हूँ, 100-100 परिवार में मैनेज कर रहा हूँ, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन, मैंने तो मांगा प्रभु हमारे पास केवल चर्च ना हो, एक बढ़िया सा ऑडिटोरियम ना हो, मुझे दुख होता है कि भारत में इतने बड़े बड़े चर्च हैं लेकिन एक भी खूबसूरत ऑडिटोरियम देखने को नहीं मिलता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम हम एक्ट फाउंडेशन ही बनाने जा रहा है, मैं पूरे यकीन के साथ कर रहा हूँ, बड़े बड़े चर्चेस हैं उनके चर्चों की तस्वीर में जो देखता हूँ लेकिन वो चीज मेरे विजन से मैच नहीं करती, मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे बैंगलोर में, मैंने ये देखा, मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मन ही मन कह रहा था कि पिताजी मत बताइए क्योंकि वो मेरे विजन से मैच नहीं कर रहा है, मेरा विजन ज्यादा बड़ा है, मेरा दर्शन ज्यादा बड़ा है, हमारे पास एक ऐसा ऑडिटोरियम होगा जिसके सामने बाहर के जो आईटी वालों के ऑडिटोरियम्स होते हैं, बाहर के जो प्रोफेशनल ऑडिटोरियम होते हैं, वो भी हमारे पास सीखने के लिए देखने के लिए आएंगे, हमारे टेक्निक देखने के लिए आएंगे, कोई आज कहेगा आमीन, कोई आज कहेगा हालेलुया, मेरे भाई मेरी बहन मैं आपको बताना चाह रहा हूं जब मैंने मिनिस्ट्री शुरुआत की कई कंपनियों में मुझे लेक्चर्स देने के लिए बुलाया गया, कई कंपनियों में मुझे लेक्चर्स देने के लिए बुलाया गया जहां पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सारे बड़े बड़े अथॉरिटीज बैठे थे और मैं उनके सामने बोल पा रहा था क्योंकि मेरे पास भी उनसे ज्यादा सप्लाई था, मेरे पास उनसे ज्यादा ज्ञान था, पवित्र आत्मा, मेरे भाई मेरी बहन थे टोना टटके करने वाले थे, मिस्र में कई जादूगर थे लेकिन मेरे भाई मेरी बहन उनके सामने यूसुफ के सामने सब लोग जीरो थे, उनकी युक्तियां काम नहीं आए, स्वप्न का हल कोई बता नहीं पाया, पवित्र आत्मा सबसे उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा से बड़ा कोई आत्मा नहीं, अपने अपने डिमांड को बढ़ाइए, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हमारे पास कैमरामैन नहीं होंगे, हमारे पास कैमरा ये दीवार के अंदर कहाँ होंगे किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम जॉयस्टिक से हम लोग जैसे माउस खेलते हैं एक कंट्रोल रूम से कैमरा को चलाएं, कोई 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 है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हमारे पास अलग टेक्निक होगी, समबडी विल से हालेलुया, मेरे को जो स्पीकर्स चाहिए वो इंडिया में मिल ही नहीं रहे हैं, भारत में अवेलेबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी डिमांड इंडियन मार्केट से ज्यादा बड़ी है, या मेरे भाई मेरी बहन
मेरे भाई से मैंने पूछा कनाडा से आप ला सकते हो, अमेरिका से ला सकते हो? उन्होंने कहा यहाँ पर ड्यूटी पड़ जाती है, ये इंडिया में नहीं मिल रहा क्या? मैंने कहा भैया मुझे जो चाहिए वो इंडिया में नहीं मिल रहा है, हमारी डिमांड इतनी बढ़नी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी ही नहीं, गूगल वाले उसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमारे पास वो थिंकिंग पहले से। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? हमारे पास उत्तम टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे पास उत्तम रहने के घर होंगे, हमारे पास 1500 कम से कम 1500 लोगों को सर छिपाने की जगह होगी, हमारे पास ऐसे पहाड़ियां होगी जहां पर खुदा उसका नियम देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए खुद उतर कर आएगा, वो आंखों के सामने मुंह से सबके साथ वो बात करेगा, फेस टू फेस ही विल टॉक विद यू। कम ऑन, इंक्रीज योर डिमांड, अपने डिमांड को बढ़ाइए। तो यह जगह आमीन, कोई जगह हालेलुया। यदि कोई मुझे 200 करोड़ स्पॉन्सर करें अभी इमीडिएटली, मैं बता दूं कि मुझे क्या क्या चाहिए, सब कुछ मेरे दिमाग में पिछले 20 साल से है। यदि कोई 200 करोड़ ऐसी पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा, 200 करोड़ लेकर बैठ जाओ कि बोलिए वी वांट टू स्पॉन्सर यू, वी वांट टू फाइनेंस यू, मैं इमीडिएटली कौन सा ब्रांड, कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सी चीज मुझे चाहिए, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, हम दुनिया से ऊपर रहेंगे, हम दुनिया की सोच से ऊपर रहेंगे, ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि उसके पास देने के लिए सप्लाई। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? His supply is more than our demand, उसका सप्लाई हमारे डिमांड से ज्यादा। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? God is amazing, somebody will say hallelujah। कोई है जो कहेगा हालेलुया? सोचना शुरू करो, 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट में क्या क्या बना सकते हो, 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट में आप क्या क्या बना सकते हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे पास दर्शन स्पष्ट है, अब वक्त आ गया है कि हम अपने डिमांड को बढ़ाएं, हम डिमांड को बढ़ाएं। मैं पास्टर सेवकों से पूछूंगा चर्च में कि तुम्हारी क्या सोच है, बताओ तुम्हारी क्या सोच है, यदि सोच मैच नहीं करी प्लीज डोंट वॉक विथ मी, प्लीज डोंट टॉक विथ मी, मेरे साथ चलिए मत, मेरे साथ बोलिए मत, मेरे साथ वही बोलेगा, मेरे साथ वही चलेगा जो अपने डिमांड को मेरे लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है। अपने डिमांड को बढ़ाइए, अपने डिमांड को बढ़ाइए। जवानों में आपको इंकरेज करना चाह रहा हूँ, यूथ फायर कैंप आ रहा है, जाइए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जिनको यीशु का नाम नहीं मालूम, भले ही वो खाली होंगे, भले ही उनको कुछ मालूम नहीं होगा, उन खाली बर्तनों को लेकर आइए, 4-5-6 मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अंदर उन खाली बर्तनों में पवित्र आत्मा का तेल भरा जाएगा, और वो तेल आगे जब जाएंगे ये लोग, फिर उनके पास भी थोड़ा सा तेल होगा, जब वो आगे जाएंगे उस गांव में उस शहर में वहां पर भी जाके वो खाली बर्तन लाएंगे, वहां पर भी ये मल्टीप्लाई। तो है जो कहेगा हालेलुया? He want to bless you. Somebody will say hallelujah. जाइए 5 लोगों को मिलिए और बोलिए अपना डिमांड बढ़ाइए, अपना डिमांड बढ़ाइए, अपना डिमांड बढ़ाइए, अपना डिमांड बढ़ाइए, अपना डिमांड बढ़ाइए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, ग्लोरी। कोई है जो कहेगा आमीन? मेरे पास गवाही के लिए वक्त नहीं है, because I want to pray। अगले हफ्ते हम गवाही लेंगे, कुछ गवाही थी जो मेरे जहन में है, लेकिन आज वक्त नहीं, अगले सैटरडे हम लोग जरूर गवाही को देखेंगे। भाई प्रफुल, हाँ आपकी गवाही लेंगे हम लोग अगले सैटरडे। आइए अपनी भेंट अपना दान खुदा को देंगे, और उसके बाद हम दुआ में जाने जा रहे हैं। रेवरेंड क्लेरा फटाफट, हालेलुया। आइए आइए जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करें, आइए अपना दशमांश जो भी थोड़ा सा है आपके पास आइए डाल दीजिए खुदा के मंदिर में, दरबार में। हालेलुया। मैं जवानों को एंकरेज करना कहूँगा, पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करिए, पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करिए, पहले खुद का नाम आप भरिए और वहाँ से शुरुआत करिए। आइए हम खुदा की इबादत करेंगे। वंडरफुल गॉड, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए अपना दान अपना दशमांश हम प्रभु के भंडार में देंगे, और जो विशेष दान देना चाहता है बाइबल कॉलेज के लिए, अगर प्रभु आपको चला रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। आइए अपना दान देते वक्त सुंदर सा गीत हम गाएंगे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, और जब बोला जाएगा तभी आपको आगे आना है, तो इस वक्त हम आगे आकर बड़े आनंद के साथ अपना भेंट अपनी अपना दशमांश हम प्रभु के भंडार में देंगे। बरकत दे, बरकत
आगे आइए और अपना भेद प्रभु के भंडार में लाए। बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु भूमि में आई है दिन भर में आई भूमि में आई हम पर करम कर दे बरकत दे यीशु बरकत 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 दे के लिए जस्ट प्रे कर दो आप नहीं माइक पे फॉर्मेलिटी प्रेयर नहीं चाहिए यू प्रे अलोन जस्ट ले योर हैंड मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइम बचाएंगे हम कैन यू कम ऑन योर नीज पास्टर कैन यू कम ऑन योर नीज मेरे पास ध्यान नहीं दे रहे आप वंडरफुल गॉड छह की छह इंद्रियां पांच नहीं छठवीं भी होनी चाहिए काम करनी चाहिए एक कराइए नहीं तो रेवरेंड विनोद दुबे पैदा होता था मेरे ऐसा वर्ल्ड में मैं एक भी आदमी नहीं देखता हूं अभी एक भी आदमी मेरे को हाथ में गिटार दे दो मैं बॉलीवुड हिला दूंगा मेरे को कीबोर्ड दे दो हारमोनियम दे दो बॉलीवुड में तहलका मचा दूंगा दुनिया वालों को दुनिया की भाषा में बात करना मुझे आता है पढ़ाई लिखाई फिर म्यूजिक हो सिस्टम हो वीडियो हो ऐसी चीज ही नहीं है मैं जिसमें मास्टर नहीं हूं और जिसमें नहीं होता उसको सीख लेता हूं मैं
तो पांच नहीं छह इंद्रिया काम करे आपके, पांच नहीं कितनी इंद्रिया, छह होती कितनी है कभी इंद्रिय पे बोला मैंने, इंद्रियों पर सेंसेस पे बोला, फाइव सेंस, बिकॉज यू आर नॉन सेंस, देयर आर फाइव सेंस, कितने सेंस है, फाइव, टेस्ट और कभी सुनना मेरे से, मेरे से कभी बोला नहीं इस पे, पांच इंद्रियों पर बड़ा उम्दा प्रचार है, लेकिन यहां पर ना मुझे अच्छे प्रचार नहीं देने, लाइफ चेंजिंग थिंकिंग चेंजिंग वाले प्रचार, आपने मुझे पांच मिनट बोलवा दिया, अगर एक इंद्रिय आपकी एक्स्ट्रा काम कर रही होती है ना, एक ही पे काम नहीं करना है, घुटने पे आके प्रार्थना करो, सब मेरे पास देखो फॉर्मेलिटी प्रेयर नहीं, कि वो जब चर्च में होता ना कि ऑफरिंग प्रार्थना, ऑफरिंग प्रार्थना आपकी ऑफरिंग टाइट में से एक रुपया खर्चा नहीं होता जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता, हमारे पास्टर्स लोगों की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्स होते हैं, कभी कभी दो दो हफ्ते लग जाते हैं, दो दो हफ्ते भी हो जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, मुझे मालूम है खर्चे हैं, रेंट्स देने होते हैं, ऑडिटोरियम्स के रेंट देने होते हैं, लोग एक ऑडिटोरियम में चर्च चलाते हैं, हम तो तीन तीन ऑडिटोरियम में, हम तो और मांग रहे हैं। मैं बोलता हूं कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, मैं खुद प्रार्थना करता हूं, फिर कहता हूं कि आपको गिनिए, काउंट करिए, अकाउंटिंग करिए और उसको खर्चा करिए। मैं चाह रहा हूं कि आज अपने डिमांड को बढ़ाएं, कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन, अपने डिमांड को बढ़ाएं, अपनी डिमांड को इसलिए बढ़ाएं क्योंकि आज हमें मालूम पड़ गया कि सप्लाई ज्यादा है, हम उतना ले नहीं रहे, वो उतना देना चाह रहा है लेकिन हम ले, हेलो कोई है जो कहेगा आमीन, प्रभु एक छोटी सी नौकरी देना दिला देना, एक कार दिला देना, ऐसे वैसों को दिया है हमको भी तो लिफ्ट करा दे वगैरह वगैरह, नहीं ऐसे वैसों को दिया है वो मत देना, मेरे को देखेगा तो कोई कहेगा कि ये वाला चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, इत उस लेवल पे ला, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। ये साल खत्म नहीं हुआ है, मैं तो चाह रहा हूं कि मैं एक से दो प्रॉपर्टी या तो चर्च के लिए खरीद लूं या तो मैं इसलिए खरीदूं ताकि टाइम आने के बाद उन प्रॉपर्टी को बेचकर चर्च के लिए मैं पैसा दे सकूं। साल खत्म नहीं हुआ अभी, 31 दिसंबर आई एम प्लानिंग टू बाय टू प्रॉपर्टीज, पर्सनली बोला मैंने राइट, क्योंकि चर्च के लिए लंबा प्रोसीजर है, वो जगह फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पेपर वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं चाह रहा हूं कि दो या तीन प्रॉपर्टी खरीद लूं और जब भी चर्च को जरूरत होगी उसका कीमत बढ़ जाएगा, जहां पे 20 लाख है वो 40 लाख आ जाएंगे और प्रभु के लिए हम उस प्रॉपर्टी को पूरा पैसा प्रभु के लिए दे पाएंगे। ये मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे को मेरे लिए नहीं चाहिए, हमारी पूरी बिल्डिंग को अगर मैं कमर्शियल बना दूं, उस दिन बच्चों को बता रहा था कि मैं 1.5 से 2 लाख महीना कमा सकता हूं, 1.5 से 2 लाख महीना मेरी बिल्डिंग में, लेकिन हमने कमर्शियल नहीं किया उसको। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अपना डिमांड बढ़ाइए, डिमांड बढ़ाइए, कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अर्पित को मैं जब वो 18 साल का हो गया, लाइसेंस उसके पास आ गया, 4-व्हीलर 2-व्हीलर, तो मैंने उसको कहा 4-व्हीलर का लाइसेंस आ गया है तू कार ले, बोलता नहीं डैडा मेरे को 2-व्हीलर चाहिए, क्योंकि वो 2-व्हीलर कभी जिंदगी में चला है, कार में बैठा हमेशा, तो उसको 2-व्हीलर का चस्का था क्योंकि कार पे ही जिंदगी बचपन से वो देख रहा है, तो उसने कहा डैडा 2-व्हीलर चाहिए। और अब पिछले 2-3 हफ्ते से अपने दोस्तों को बोल रहे हैं या मेरे घर में जो लोग रहते हैं उनको बोल रहे हैं, पास्टर्स लोगों को, कि अच्छा होता यार मैं कार ले लेता, छोटी कार भी लेता अच्छा होता, कम से कम 5 लोगों को मैं मीटिंग को लाने के लिए छोड़ने के लिए जा सकता था खुद। और मैंने ये भविष्यवाणी की है हमारे यूथ के लिए कि आने वाले दिन में हमारे यूथ जो चर्च चला रहे हैं, यूथ का चर्च नहीं चला रहे, बड़े लोग भी आ रहे हैं उसमें, सिस्टर वत्सला बोईटी की आंखों में आंसू देखे मैंने उस दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, मैं देख रहा था वो पेन, वो खुशी कि यहां पर आधा से ज्यादा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, ये केवल तीसरी सर्विस चौथी सर्विस चल रही है अभी, अभी एक महीने में मुझे लगता है कि चित्र बदल जाएगा, कोई है जो कहेगा आमीन, ये तस्वीर बदल जाएगी। और मैंने कहा जवानों मैं ये दर्शन देख रहा हूं कि आने वाले 5 से 10 साल में आपकी सर्विस में, आप लोगों की सर्विस में
ये बड़ों की सर्विस में नहीं, वो लोग कौन कैसे सब लोग। मैं बात कर रहा हूं जवानों से, आने वाले 5 to 10 years में जवानों आप इतने ऊपर जाओगे कि कम से कम 100 लोगों के पास कारें होंगी, 100 cars, और उसमें 5-5 लोग ठूस के लाएंगे हम लोग, टोटल 600 पीपल ओनली बाय कार। हमारा कार का मकसद डैडी मम्मी को लाना नहीं, डैडी मम्मी के लिए अलग से कार। यस सर। अनगा तू हाथ गाड़ी चालो, डैडी मम्मी के लिए अलग से कार, तुमको आने का चर्च तुम्हारी कार में, मेरे कार में मैं 5 लोगों को चर्च में लेकर आ रहा हूं। वी विल बी हैविंग 100 cars। अब मैं जानता हूं गरीबी से आप लोग आए हैं, लेकिन इतना पढ़ो लिखो इसके लिए मैंने 5 से 10 साल बोले। आपके पास्टर बहुत पढ़े लिखे, बहुत नॉलेजेबल है, आप कोई भी सवाल पूछो पैसा देकर, बाकी फालतू जवाब देने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। आई कैन गाइड यू, आई कैन टेल यू वॉट यू कैन डू। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 5 से 10 साल में इतनी पढ़ाई करो, उस लेवल पर आ जाओ कि आपके पास खुद की एक एक कार तो होगी ही। आमीन। कितने लोग तैयार? जवानों, सब जवानों के लिए मेरा दर्शन। जवानों ने एक सर्विस भरने शुरू कर दी है, आने वाले टाइम में पूरी सर्विस भर जाएगी। इसके पहले कि इथुन पन अपना काड़ा काड़तील इस यहां से भी निकाले, पहले ऑडिटोरियम भर लो, फायदा उठा लो, खुदा के लिए आत्म जीत लो। आमीन। हालेलुया। अब मजा नहीं आ रहा, कोई जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। आपका मुंह देख के नहीं, नहीं गाड़ी तो नहीं होना रहा, वो वाला मुंह बनाया किस लोगों ने, हाथ गाड़ी वाले। अर्पित कह रहा है मैं खास में छोटी कार प्रेरित से छोटी कार ले लेता, लेकिन एक कार होनी चाहिए थी जिसमें 4-5 लोग बैठ पाते। तो उस टाइम उसने अपनी डिमांड क्या रखी, 2-wheeler। मैंने 2-wheeler दिला दी उसको। अब कह रहा है कि मेरे को ये होनी चाहिए थी, तो प्रभु वो भी दिला देगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं। गॉड वॉन्ट टू लिफ्ट यू अप, समबडी विल से आमीन। आप देखो मम्मी डैडी को ये नहीं बोलोगे, हेलो बात करूं मैं आपसे, मम्मी डैडी को ये नहीं बोलोगे कि मेरे लिए कितना छोड़ा है, मम्मी डैडी को ये नहीं बोलोगे मेरे लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है। बोला मम्मी डैडी तुम्हारा प्रॉपर्टी चर्च को दे दो, हमको नहीं चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मैं खुद बनाऊंगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। मेरा बड़ा भाई कहता है कि मैं सारा पैसा खर्चा करके मरूंगा, बच्चों को एक रुपया नहीं दूंगा, सच में कहता है वो। अभी कनाडा गया घूमने के लिए, पूरा पैसा मैं खर्च करूंगा, चर्च को दूंगा, जो करना है करूंगा, बच्चों को नहीं दूंगा। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बच्चों, डैडी मम्मी को यह बोलना बंद करो मेरे लिए क्या रख छोड़ा आपने, बोलना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा खुदा है, मैं हूं, उसके पास सप्लाई है, मेरे पास डिमांड है, और मैं लगन के साथ पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा और ऊपर आऊंगा। तो ये जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये अनघा को यहां पर एक नौकरी मिल रही थी 2-3, मैंने कहा क्या नौकरी कर रही है यार, नौकरी में क्या मिलता है, क्या मिलता है, हाँ ए बाबा क्या मिलता है नौकरी में, जोर से बोलो क्या मिलता है, हाँ तनख्वाह मिलती है, फिक्स्ड, ऊपर जाती है क्या, वो फिक्स्ड है, हर महीने दिया, उसमें भी दांडी मारी तो आपका पैसा कट। हमारी सारा देख रही है वहां से चर्च में बैठी, हाँ इडली एक दिन दांडी मार ली पैसा कट। मैंने बोला ये सब नहीं चलवे, कोई है जो कहेगा नहीं चलवे, हमको फिक्स्ड इनकम नहीं मांगता, हमको एक्स्ट्रा इनकम मांगता है। तो अनघा पढ़ाई कर रही थी, अभी तो पढ़ाई हुई भी नहीं उसकी, तो उसको उसके घर में एक मृत्यु मौत हो गई, उनके नानी की मौसी, सिस्टर की मौसी की। तो उसमें गई, उसमें भी प्रभु ने काम किया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मतलब दुख के टाइम में भी अगर आप खुदा में हो तो खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता है। मैं इसको हमेशा कहता हूं तेरी फील्ड वो वाली फील्ड है जिसमें हम चर्च में काम करते हैं। मैं बोला तेरा कॉलेज वालों को वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज हमारे पास है। आज एक्ट फाउंडेशन की डिजाइनिंग टीम, एक्ट फाउंडेशन की जो भी कोरल ड्रॉ फोटोशॉप डिजाइनिंग में किताबें छापना प्रिंटिंग
मैं हम लोग इंडिया में नंबर वन में आ रहे हैं, मालूम आपको, इतने भारी हम लोग। हम लोग पब्लिशर के पास नहीं जाते, हम लोग खुद पब्लिश करते हैं। तो मैंने बोला बेटा मैं को तेरे को ये ब्लेसिंग देनी है कि हर महीना पगार नहीं, काम कर पैसा, जिस टाइम काम पूरा पैसा। और देखो उस टाइम में खुदा ने इसके लिए दरवाजा खोला और एक शख्स जो सिस्टर मृणाल के साथ कॉलेज में पढ़े थे, वो शख्स की कंपनी काम कर रही है, उनने 3D एनिमेशन में उनने काम दिया। उनने कहा मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, वो 3D एनिमेशन का काम मैं दूंगा। एक 3D एनिमेशन किया तो तेरे को एक 3D एनिमेशन का 3,000 रुपए ऑन द स्पॉट मिलेगा, 3,000 रुपीज। तो कुछ ट्रायल के लिए दिए थे, कितने दिए थे ट्रायल के लिए? 4 दिए थे। 4, तो अपने उसको लाचार किया कि काम को अपने अंजाम दिया? अंजाम नहीं गए, अंजाम नहीं है वो, अंजाम रमजाम क्या था, अभी अंजाम है। हाँ कौन सा है? अंजाम। हाँ तो आपने उसको अंजाम दिया, क्योंकि मैं जब काम देता हूँ आपके, आपको 5 बार फोन करना पड़ता है ना कि ये चुकले इतने चुकले, हाँ थोड़ा चुकला, वो थोड़ा नहीं बोलते, रह बोलते थोड़ा चुकला। हाँ तो कंप्लीट किया ना उसकी कंप्लेंट, नहीं कुछ 4 पूरा कंप्लीट किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। काम दिलं हात वर करून उभा आहे तिकडं का नाही, माझ्या माझ्यासाठी प्रार्थना करायची, तुमच्याच मुलींनी बघा काय केलं, सक्सेसफुल किया। आज मैं खुश हूं कि पिछले साल का कैलेंडर उसने डिजाइन किया था और बहुत सारे काम चर्च के वो उसने किए, डिजाइनिंग के मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया में नहीं किया अभी, तो मीडिया का जब भाई अनिल रिपोर्ट देंगे तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं जो फोटोशॉप कोरल ड्रॉ बात कर रहा हूँ, 3D एनिमेशन मेरे दिमाग में है, तो वो आप पहले उनका ठीक से करो, पहले उनका बिगाड़ो फिर मेरा बिगाड़ना। तो इसने पिछले साल का कैलेंडर, इतना मुश्किल रहता कैलेंडर बनाना, इसने मेरे ख्याल से 4 दिन में कैलेंडर बनाया था, 4 डेज में इतने सारे पेजेस, बहुत मुश्किल होता है वो। अब इसको 3D एनिमेशन के लिए उसको ऑर्डर मिल रहा है और अब से एक हफ्ते में कितना कर सकती हो आप इसे? 6 कर सकती हो, तो 6 × 4 = 24, मतलब आप इतना कमाओगी, उतना काम होना चाहिए उसके पास। ओके, कितने लोग खुश हैं? एक काम किए तो 3,000, 10 किए तो 30,000, 15 किए तो 45,000, 20 किए तो फिक्स इनकम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। आपको मंडे को किसी स्कूल को बड़ा कोटेशन देना है, राइट? बहुत बड़ा कोटेशन है वो, बहुत बड़ा कोटेशन है, आपको मालूम नहीं है, उसके लिए उसको मेरी मदद लगने वाली है, राइट? मेरी मदद के बिना कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, एक बहुत बड़ा कोटेशन उसको स्कूल के लिए, उसको स्कूल का डायरीज, जो कैलेंडर बोलते हैं ना डायरीज, उसका कोटेशन। मैंने उसको आइडिया दिया था, मैंने कहा जा स्कूल में जाकर, तो बोल रहे कि सिस्टर बोल रही कि नहीं ते खूब शरद पवारकडे जायला लागतं। अरे म्हटलं शरद पवार आमच्याकडे येतो म्हणतो भेटायचं का? काय लावलं म्हटलं, इसका जोश देखना, ये बोलती मैं जाऊन बोलते, पण आप गई नहीं गई, मम्मी ने काम किया, मम्मी पेटली माझे बोल एक मिनट। हाँ ओके, मेरे बोलने से। और उनका स्कूल बड़ा स्कूल है जहां पर 1,000 के ऊपर डायरीज है, तो प्रॉफिट भी उसको बहुत सॉलिड हो सकता है। तो उसको कोटेशन मांगा है, तो मंडे ट्यूसडे को कोटेशन वो देने जा रही है। गॉड इज गोइंग टू यू नो ब्लेस यू अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। तो अब क्या लगता है कि घर में बिल्ली होनी चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए? कंप्यूटर। जा मखली, बिल्ली भी रखो, बिल्ली से भी पैसा कमाओ, लेकिन पैसा एक भी नहीं कमा रहे, मैंने सुना सारा सब आप लोग घर में संभाल के रख रहे हो, ये गलत कर रहे हो, पैसा कमाओ ना, मानदर दिली देवानी वाड़त चल रही है, फूलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। अब बिजनेस नहीं कर रहे आप, विपुल लदुंटा का मानदर विपुल पैसा बिजनेस करूं दाखिल तुम्हारा। ओके, तो कितने लोग तैयार है अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए? He want to bless you. वो आपको ऊंचाई पर उठाना चाह रहा है। Somebody will say amen. Amen. अच्छा प्रफुल, अच्छा प्रफुल, fast fast. मुझे लगता है ये गवाही भी ले लूँ। पिछले 2 हफ्ते पहले इस भाई की गवाही ली, बोले आप फिर से गवाही कैसे हो गई? फिर से गवाही कैसे आ गई? पिछले बसुरा का था ना, प्रेम करते हो अपन। हाँ मतर लोग तुम्हें, सुनिए इसकी सैलरी कितना परसेंट से पिछले बार बढ़ी थी? हमने बोला 40,000 रुपीज बड़ी थी, 40,000 रुपीज तनख्वाह बड़ी थी। इनको हैदराबाद जाना था और हम लोग फायर कैंप जा रहे थे, पास्टर्स को लेकर आ रहे थे, उसी वक्त मेरी बातचीत हुई और प्रभु ने पुणे में ही, हैदराबाद का साला ऐसा चर्च कुटे पुणे, तो पुणे में प्रभु ने ये काम किया, 40,000 रुपया उसको एक जगह पर तनख्वाह बढ़ के मिली थी। ये पिछली गवाही थी 2 हफ्ते में। मैंने बताया
कि डिमांड बड़ा हो, सप्लाई बहुत है, सप्लाई बहुत है। और इमीडिएटली उसी हफ्ते में, मैं इसको लेट बोल रहा हूं, प्रभु ने कार्य किया, चमत्कार किया। जहां 40,000 तनख्वाह मिल रही थी, दूसरी कंपनी सामने आई, उसने कहा हम 10,000 और बढ़ाकर 50,000 रुपए इंक्रीमेंट, 50,000 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। कोई है जो जोरदार ताली बजा के, क्योंकि घर में बच्चा आ रहा है, इसके लिए 40 बड़े थे, 10,000 तुला एक्स्ट्रा। आमीन, हालेलुया। कुछ भी खरीद ले उसका ईएमआई है। गॉड ब्लेस यू। देखिए मेरा प्रभु मार, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। ध्यान रखो, मैं ये डिसाइड करके कर रहा हूं, दूसरे चर्च में लोगों को नौकरियां लग रही है, काम मिल रहा है, नहीं, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आपकी नौकरियां ऊपर जाएगी। मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आपके घर बढ़ेंगे। तो ये जो कहेगा आमीन, चलिए आ जाइए, बाहर आ जाइए, सामने आ जाइए। वी आर प्रेइंग, हम लोग दुआ कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके मैं खुश हूं कि चर्च में किसान है, चर्च में छोटे काम करने वाले लोग हैं, रोटियां बनाने वाले, खाना बनाने वाले, टिफिन बनाने वाले, यू नो, चर्च में जगह का काम करने वाले कंसल्टेंट लोग हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। हर बिजनेस आपका बढ़ना चाहिए। आइए चलिए सामने आ जाए, भाई देवन आप अकेले गाएंगे। यस, हालेलुया, वंडरफुल गॉड, अकेले गाएंगे। यस, चलिए, ग्लोरी टू गॉड। अपने हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले, टाइम कम है मेरे पास। वंडरफुल गॉड, वॉल्यूम कम मत करना क्योंकि वो वीडियो खराब हो जाता है जीसस। हालेलुया, चलिए जल्दी 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 बाहर आ जाए तो दुआ होगी, अंदर रहेंगे तो मैं दुआ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, और जो जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैं चाहूंगा वो लोग आगे खड़े रहें यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो स्टूडेंट जा रहे हैं वही लोग आगे रहेंगे, बाकी उसके पीछे रहेंगे। यीशु छो, यीशु छो, आप दोनों भैया भैया हाथों को उठा ले, पावर ऑफ गॉड, ये बहुत होली पावर, कितने मामले रहे तो कुछ छूड़ो, आपको छूड़ो, आपको मेरे हाथ के पास देखिए, कितने मामले ने मेरे हाथ को जूम करिए, मुझे जूम करिए, कितने मुझे टीवी पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आ रहा है, आत्मा आ रहा है, बंधन टूट रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ाई है, सप्लाई बढ़ रहा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, लंगड़ों को जोर आ रहा, हड्डियों में जोर आ रहा, ये नए मौके, पवित्र आत्मा आपका छू रहा है, आपका छू रहा है, प्रचार को सीमाओं को बढ़ाओ, प्रचार को सीमा को बढ़ाओ, ये दुआ शुरू कर दे, ग्लोरी 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 ग्लोरी, ये हालेलुया। महमे फलसदर की तरह, खाली खाली हवर की तरह, महमे फलसदर की तरह, खाली खाली हवर की तरह, मेरा
मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गले चुम आ।
प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु, तेरा वचन प्रभु यीशु तेरे बच्चों के पास आया कि किवाड़ को बंद कर ले प्रभु, उस खाली कमरे में प्रभु जहाँ पर कोई नहीं होगा, केवल वो विधवा और उसके दो पुत्र थे और वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ जब उसने प्रभु तेरे सेवक की बात सुनी और प्रभु अपने किवाड़ को अपने द्वार को बंद कर लिया। ऐसी कोई भी बात नहीं प्रभु जो उनको आकर्षित कर रही होगी, ऐसी कोई बात होगी जो उनके बीच में ओ प्रभु यीशु और रुकावटों का कारण होगी, उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु हम उस शैतान को के लिए प्रभु यीशु उस द्वार को हम बंद कर लेंगे। और जब हम उस कमरे में होंगे मेरे खुदा बाप, ओ हमारा गुप्त पिता हमारे लिए प्रभु यीशु उस कमरे में आश्चर्य कर्म करेगा। और प्रभु मैं यही दुआ करती है प्रभु यीशु की जो कोई आज आया है खाली बर्तन को लेकर आया है, उन खाली बर्तनों में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा रूपी तेल को ले, क्योंकि अब हम रुकेंगे नहीं मेरे खुदा बाप, अब हम दौड़ेंगे और कई सारी खाली बर्तनों को लाएंगे तेरे घर में, तेरे मंदिर में, और प्रभु तू उन्हें आशीषों से तेरे पवित्र आत्मा से भरेगा। धन्यवाद हम देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जब तेरे बच्चे घर लौट रहे हैं उनके साथ तू ले, उनकी अगुवाई कर और प्रभु उनके मन में उत्तेजना निर्माण कर ताकि वो कई सारे खाली बर्तनों को लाए। धन्यवाद हम देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो तो ग्रहण कर। आमीन। विश्वास से कहेंगे आमीन। सामर्थ्य से हम कहेंगे आमीन।